हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरवेदु ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 9th की मैथ से चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर के आप और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये सी फिगर 7.22। तो ये आपका फिगर है। फर्स्ट, ट्राइंगल डी ए पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। सेकेंड, ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कंग्रेंट प्रूव करना है। दूसरा, ये जो साइड ए डी है, इसको बी ई के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, दो बातें प्रूव करनी है इसमें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। देखो, शुरुआत यहां से करेंगे। एज एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ओके, अब ये गिवेन है आपको क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पर रीजन हो जाएगा गिवेन। ठीक, अब ध्यान से देखना, जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे, ये वाला, तो उसमें ये एंगल और ये एंगल ऐड करोगे तो पूरा मिल जाएगा, और ये है हमारा डी पी ई। तो डी पी ई को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी ई प्लस ये हो जाएगा एंगल डी पी बी। ओके, अब इसका रीजन क्या होगा, देखो, एंगल डी पी ई इज एडेड ऑन बोथ साइड। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो, अब हम ई पी ए में ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये पूरा मिलेगा, इसका नाम क्या है, डी पी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी पी ए इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्या होगा कि जब हम डी पी ए जो है ऐड करेंगे यहाँ पर डी पी बी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा ये वाला एंगल ई पी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई पी बी इक्वल टू एंगल ई पी बी। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अच्छा, आप आगे देखो, जैसे यहाँ पर बोला है एंगल बी ए डी। ठीक है, एंगल बी ए डी, ये रहा हमारा एंगल बी ए डी। अब चाहे इसको हम बी ए डी लिखो या फिर लिखो पी ए डी, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा डी ए पी, क्योंकि देखो ये दोनों सेम ही एंगल है। चाहे आप इसको यहाँ पी तक ले जाओ और चाहे आप इसको यहाँ तक बी तक ले जाओ, बात एक ही है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, एंगल डी ए पी। ठीक है, और इधर वाला जो एंगल है ए बी ई, एंगल ए बी ई। ठीक है, अब देखो एंगल ए बी ई कहाँ है, ए बी ई ये वाला एंगल। अब चाहे आप इसको यहां से शुरू करो, चाहे आप इसको पी से शुरू करो, तो मैं यहाँ पर पी से शुरू करूंगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा एंगल ई पी बी। ओके, तो अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर इनको ना लिख करके इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ओके, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पी जो है मिड में है, यहां पर बोला गया है कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जब पी मिड में है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो ए पी है वो पी बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा थर्ड पॉइंट, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट। अब क्यों बनेगा, इसका मतलब ये इक्वल क्यों होगा, तो यहां पर देखो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और ये इक्वल क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है, तो ये गिवन है। क्या है, गिवन।
ठीक है। तो अब इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो पहले आप इतना राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखो, फॉर फर्स्ट इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव। देखो, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर? देखो, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, और यहां पर मिलेगा ये ए पी इज इक्वल टू पी बी, फिर ये मिल जाएगा हमें एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ठीक है, तो देखो ये हमारा एंगल है, ये हमारा साइड है, और ये हमारा एंगल है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कंग्रेंट बाय ए एस ए रूल। सो ट्रायंगल डी ए पी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी पी, इसका रीजन क्या होगा? बाय ए एस ए रूल। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया, तो यहां पर देखो सेकंड कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो, सेकंड में हमें प्रूव करना है कि ये जो एडी है वो इक्वल है बीई के। तो देखो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाते हैं, तो उनकी कोई भी साइड या कोई भी एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी जो है इक्वल हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी ई। अब इसका रीजन क्या होगा? बाय सी पी सी टी। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।